हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है मेन टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटेंसिटी वेरिएशन हमारे पास जो दो फॉर्म है उसके लिए क्या है। सपोज मैं वेव नेचर की बात करूं और मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं, दोनों में मैं इंटेंसिटी वेरी कराऊं तो दोनों में इंटेंसिटी वेरिएशन का मीनिंग क्या रहेगा, सबसे पहले वो समझो, तभी आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेव नेचर में जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं, तब उसका मीनिंग रहता है कि हमने एनर्जी ऑफ ईच वेव इंक्रीज कराई, वो इंक्रीज हुई। पार्टिकल नेचर में जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, नो डाउट, बट टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ई टोटल वो इंक्रीज होगी बट एनर्जी मतलब ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहाँ पे E क्या है तो एनर्जी ऑफ ईच लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है ना, और वो एनर्जी का फॉर्मूला है HF। अब HF है वो कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कराई, इंटेंसिटी चेंज कराई है। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन सेम है। अब इसका मतलब क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो n फोटोन की एनर्जी क्या होती है, NHF, जिसमें से HF है वो कांस्टेंट है, जो इंक्रीज होगा वो डिवाइड बाय 80 कर दो तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, तो इतना पार्ट इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहे हैं बट हर एक फोटोन की खुद की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंसिटी वेरिएशन में इतना याद रखो, फिर आगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। अभी आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास से बनी हुई ट्यूब है और वो ट्यूब के अंदर हमने एक विंडो रखी हुई है जहाँ से लाइट एंटर हो सके। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने एक कम्यूटेटर का यूज़ किया है जो मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, तो आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करो तो टेक्स्ट बुक से ड्रॉ करना। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखता हूँ, ये सिर्फ अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे बैटरी में से डायरेक्ट कनेक्शन दिया है। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव।
अब ये एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझो और उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी समझो। अभी ये एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है, बट उस टाइम पे ना तो हम कोई इलेक्ट्रॉन को देख सकते थे, ठीक है, ना तो हम इंटेंसिटी वेरिएशन को भी अच्छे से सेंस कर सकते थे। अब उस टाइम पे उन्होंने ये सब किया था, कैसे किया होगा ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। समझो, यहाँ पे एक प्लेट है, एमिटर प्लेट, और ये जो प्लेट है ए वाली वो है कलेक्टर प्लेट। जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है वो एमिटर प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो कलेक्टर प्लेट। इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है वो कलेक्टर प्लेट। यहाँ से यूवी लाइट हम इंसिडेंट करा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही कन्फ्यूज़न ये था कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, चलो ये बात समझ में तो आ सकती है, बट पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए और वहाँ पे जाके एक्सेप्ट भी किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जानने के लिए उन्होंने यहाँ पे लगा दिया माइक्रो एमिटर, यहाँ पे लगा दिया माइक्रो एमिटर। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, उसकी वजह से यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगी और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव से वापस कलेक्टर प्लेट पे। कलेक्टर प्लेट से फ्री कराने का काम किसका? यूवी लाइट का। और जैसे ही यूवी लाइट हमने इंसिडेंट की, अगर उसके पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को पूरा क्लोज पाथ मिलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और वो पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे नोट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर करंट डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी यहाँ पे। अब आगे चलो, तो मैंने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा दी। अब वो लाइट की जो इंटेंसिटी है या तो फ्रीक्वेंसी है वो भी मुझे वेरी कर रहा है, और वो मैं चेंज करूँ तब मुझे यहाँ पे इफ़ेक्ट देखनी है, प्लस यहाँ पे कितने वोल्टेज लगाने पड़ते हैं वो भी देखना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन के लिए क्या किया जाए? यहाँ से लाइट आ रही है, कैसे पता चलेगा कि इंटेंसिटी वेरी हुई? तो समझो कि एक बार हमने फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा फॉग बना दिया और उसमें से लाइट हमने इंसिडेंट कराई, तो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और सेकेंड टाइम हमने लाइट को विदाउट फॉग डायरेक्ट इंसिडेंट कराया तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी वेरिएशन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है कैसे पता चलेगा? तो हमने सपोज यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर की लाइट अप्लाई की, वायलेट कलर की लाइट अप्लाई की, या तो उसके बाद अल्ट्रा वायलेट कलर की लाइट अप्लाई की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना पता चल गया, ओके, और हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा दी। हमें रिजल्ट क्या मिला? तो पहले हम रिजल्ट नोट कर देते हैं। हमें रिजल्ट मिला कुछ ऐसा कि अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कराऊँ तो मुझे यहाँ पे करंट इंक्रीज होता हुआ नज़र आया। मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज कराने से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या देखने को मिला? तो इंटेंसिटी सबसे पहले हमने इंक्रीज कराई तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम बोल सकते हैं फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई।
अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इंटेंसिटी वेरी कराते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। बट हाँ, मैंने ईच फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेक की, और वो एनर्जी कैसे चेक की वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी के, वो काइनेटिक एनर्जी के है वो मुझे मिली कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो फोटोन था उसकी एनर्जी मुझे मिली कांस्टेंट, उसमें कोई वेरिएशन आया नहीं। फिर वही चीज़ मैंने ये डिक्रीज करा के देखी, तो ये डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये फिर भी कांस्टेंट, मतलब इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन के साथ है। इस बार मैंने क्या किया, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कराई, अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराने से जो फोटो करंट है उसमें कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि वो तो हम डायरेक्ट ए मीटर में देख सकते हैं। तो फोटो करंट है वो क्या रहा, कांस्टेंट, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं वो भी क्या रहा, कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो इंक्रीज हुई। ये सब किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उसके लिए। मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कराई तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होने लगे, बट हर एक इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी। जब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे, बट एक एक इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी वेरी स्ट्रांग थी, ज़्यादा मिली। ठीक है, तो यही दो रिजल्ट है जिससे ये हाफ चैप्टर बना हुआ है। आप हर एक जगह पे ये दो स्टेटमेंट को रिपीट होता हुआ नज़र आपको लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मन में याद ही रख लो कि जहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन है वहाँ पे फोटो करंट या तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आपको मिलेगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुए हैं उनकी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक करके सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन फोटो करंट, तो वो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, फोटो करंट। तो आपको जो इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी रख दूँ और यहाँ पे फोटो करंट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, चलो अभी एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एनर्जी कैसे पता चलेगी, यहाँ पे एनर्जी वेरिएशन कैसे पता चलेगा, चलो इंटेंसिटी के हिसाब से फोटो करंट या तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड वो हमें पता चल गए माइक्रो एमीटर की हेल्प से, कि यहाँ पे रीडिंग इंक्रीज होता हुआ नज़र आया तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है हम मान सकते हैं। बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट में कुछ थोड़ा सा चेंज लाते हैं। यहाँ पे मैंने बैटरी को ऑपोजिट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, तो इधर सारे कौन से आ गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से मान लो कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, अब जनरेट होने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की, समझना, जनरेट होने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। कैसे, तो समझो कि आपने यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की थी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये मान के चलते हैं सिर्फ, या तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज। ये मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसी इलेक्ट्रॉन ने एग्जिट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो एमिट हो गया, तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बचेगी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एब्जॉर्ब की थी 20, बाहर निकलने के लिए ज़रूरी थी 4, तो बाकी की उसके पास बच रही है एज अ काइनेटिक एनर्जी। बट कोई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसको ये मेटल में से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये सरफेस से निकला तो 4 की ज़रूरत थी, किसी को 6 की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी बचेगी ओनली 14, क्योंकि 20 थी उसमें से 6 बाहर निकलने में यूज़ हो गई और बाकी जो बची वो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि यहाँ पे जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। हमें ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है और कितनी है। ओके, तो वो एनर्जी हम चेक कैसे करें? तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एनर्जी लगा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से। अगर वो एनर्जी को ओवरकम करके कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पहुँच पाया, मतलब हम समझेंगे कि उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा ना, तो जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी वही ट्रैवल कर पाएगा, जिसके पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रहेगी उससे कम एनर्जी होगी तो वो वापस चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, समझना, यहाँ पे ये वोल्टेज है बैटरी के वोल्टेज, सपोज मैंने 0 वोल्ट रखे, मुझे यहाँ पे करंट मिलेगा। अब 0 वोल्ट पे मुझे करंट मिला 20 माइक्रो एम्पियर, ये समझने के लिए सिर्फ एग्जांपल। हाँ, जैसे ही मैंने ये 1 वोल्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हार मान के वापिस चले गए। देखो यहाँ से आपको कम होते हुए नज़र आएंगे और करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम पास हो रहे हैं अभी, तो हो गई 18 माइक्रो एम्पियर समझो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट किया, यहाँ का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, रिपल्सिव फोर्स बढ़ा, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी वही ट्रैवल कर पाएगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी रहेगी वो धीरे धीरे निकल जाएगा। फिर मैंने 3 वोल्ट अप्लाई किया, 4 वोल्ट अप्लाई किया, ये भी डिक्रीज हुआ, 5 वोल्ट अप्लाई किया और डिक्रीज हुआ, 6 वोल्ट अप्लाई किया, सपोज ये 2 माइक्रो एम्पियर बचा, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी या तो उससे ज़्यादा एनर्जी होगी वो ट्रैवल कर पाएगा और बाकी सब वहीं पे रुक गए। मैंने फिर यहाँ पे 6.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई किया तो ये 1 माइक्रो एम्पियर करंट बन गया और एकाधिकाध इलेक्ट्रॉन पर सेकंड या तो पर मिली सेकंड पास होने लगे। फिर जैसे ही मैंने 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, यहाँ पे मुझे करंट मिला 0, इसका मतलब ये रहा कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुँच रहा है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सभी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, 6.2। इससे ज़्यादा एनर्जी आप अगर लगाते तो इलेक्ट्रॉन रुकने ही वाले थे, बट इससे कम इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो एकाध दो इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे ये कलेक्टर की ओर, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्यों हर एक मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए मिनिमम पोटेंशियल की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसीलिए ये वोल्टेज का नाम पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप
ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय कलेक्ट सॉरी एमिटर ओके इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन पता चल गई, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अभी देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पहले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। चलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो ये के मैक्स इक्वल टू आपने अप्लाई की थी एनर्जी एच एफ और उसमें से फाइव नॉट जितनी यूज हो गई, समझना आपने लगाई थी 220 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बाहर निकलने के लिए ज़रूरी थी 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बची 16 वो आपको मिल जाएगी। आपने कितनी लगाई थी 20, उसमें से 4 यूज़ हो गई, तो बाकी जो बची 16 वो इलेक्ट्रॉन की क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से ओके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, तो के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनेगी उतनी ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, तभी तो वो उसी वोल्टेज पे रुक गया। ओके तो ये रहा इक्वेशन टू, दोनों को कंबाइन कर दो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ईवी नॉट इक्वल टू एच एफ माइनस फाई नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू एच डिवाइड बाई ई इंटू एफ और माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन मिला उसको हम कंपेयर करा सकते हैं लीनियर जो ग्राफ होता है उसके इक्वेशन के साथ, मतलब लाइन का जो इक्वेशन होता है उसके साथ। तो इसको हम कंपेयर कराएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करा रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या, देखो जानने को मिला कि y एक्सिस पे हम क्या लगा सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट। देखो ओके x एक्सिस पे क्या लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी f, मतलब x एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी f। और क्या जानने को मिला, स्लोप, जो ग्राफ है उसका स्लोप m बनेगा h डिवाइड बाई e, और जो कांस्टेंट टर्म है वो रहेगा माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ की पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, यहाँ पे हमें ग्राफ की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो अच्छे से समझो। अभी सबसे पहली बात, कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव, अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो ग्राफ भी नेगेटिव वोल्टेज से स्टार्ट होगा ओके माइनस फाइव नॉट बाई ई से। स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा नहीं, तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे गया, यहाँ से फिर ये ऐसे मिला, और जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हुआ वहाँ पे f इक्वल टू एफ नॉट। तो उससे पहले क्या होगा, f इक्वल टू एफ नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद एमिशन स्टार्ट होता है। अब सोचो एमिशन स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, तभी आप उसको वोल्टेज से स्टॉप करने की ट्राई करोगे, तभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये मत समझना कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी तब तक ज़ीरो, मतलब ग्राफ ये है एक्चुअली, फिर यहाँ से ये ऊपर चढ़ा। तो ये माइनस फाइव नॉट बाई ई कहाँ से आया, ये तो इक्वेशन का है, और अगर आप स्लोप जो ये
ग्राफ मिल रहा है उसको वर्चुअली एक्सटेंड करो तो माइनस फाइव नॉट बाई ई पे मिलेगा। क्लियर? चलो ये सब समझ में आ गया। अभी आगे एक ग्राफ आपको दिया हुआ है इंटेंसिटी वेरिएशन की इफेक्ट, और वो किसके ऊपर? स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो समझो आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी ले रहे हो, और यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो क्या है? फोटो करंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज होगी। देखो अब इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ई वी नॉट काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है, इसीलिए वी नॉट भी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये तो हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बट चेंज क्या आएगा? करंट में चेंज आएगा। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। देखो यहां से आया, अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कराई, देखो फोटो करंट इंक्रीज हुआ बट स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी वहीं पे है। थर्ड टाइम आपने इंटेंसिटी और इंक्रीज कराई, तो देखो फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। मैं अगर बात करूँ ये इंटेंसिटी आई वन, ये इंटेंसिटी आई टू, ये इंटेंसिटी आई थ्री, तो आई थ्री इज ग्रेटर देन आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, बट सभी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक और ग्राफ है जो हम समझते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो हमने सब कुछ समझ तो लिया है, अभी सिर्फ ग्राफ को समझना बाकी है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला है आपको। अब फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट क्या आती है, हम सबको पता है कि करंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग आप वेव्स ले लो, इंसिडेंट रेडियोएक्टिव सॉरी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लो, तो एक सैचुरेशन करंट के बाद ज़रा सा करंट डिक्रीज होगा, और आपको एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा फिक्स। अगर दूसरा ले रहे हो तो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो करंट में ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला माइनस वी नॉट वन, माइनस वी नॉट टू, माइनस वी नॉट थ्री। ये फ्रीक्वेंसी F1, F2 एंड F3 फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो करंट में कोई चेंज नहीं है, एकदम माइनर चेंज दिखाया है आपको प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो था उसके लिए। आइडियल सिचुएशन में यहाँ पे भी चेंज नहीं आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1 है, क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो F3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके, चलो ये सब समझ में आ गया। अभी देखो वहाँ पे ग्राफ की हेल्प से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कहाँ पे? ये ग्राफ के लिए, ये हमने जो ड्रॉ किया ना, आपको मेटल ए एंड मेटल बी दोनों के लिए दिया हुआ है, और दूसरी मेटल है उसका ग्राफ यहाँ पे कहीं पे दिखाया है। ठीक है, तो ये दूसरी मेटल का ग्राफ अलग क्यों मिला? क्योंकि उसके लिए वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिली वो देखो, यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो एफ नॉट थी, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है एफ नॉट डैश। ठीक है, और ये मेटल ए के लिए था, ये मेटल बी के लिए है,
और इसका जो ग्राफ है वो फाई नॉट डिवाइड बाई ई पे ही जाएगा, बट फाई नॉट यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि मेटल चेंज हो गई तो बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ से पता क्या चलता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेयर इज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी होगा। सेकेंड पॉइंट है, देर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ये ऑब्जर्वेशंस है, ओके, ये ग्राफ से हमें पता चला। दीज ऑब्जर्वेशंस हैव टू इम्प्लीकेशंस, कौन कौन से, देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेयर इज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। देखो मैंने कहा था ना, यही स्टेटमेंट्स है जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी वैल्यू इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। देखो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, तो इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ा दो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली कि जैसे ही हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई विद इन 10^-9 सेकेंड एमिशन स्टार्ट हो गया। मतलब समझो कि अगर आपका ये जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, ये जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके पास फ्रीक्वेंसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और अगर रेडिएशन होना चाहिए तो 10^-9 सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है, तो आप यही रेडिएशन 2 साल तक कराते रहो, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर होना है तो 10^-9 सेकेंड के -9 सेकेंड के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समरी भी लिखी हुई है, वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। अब ये सेक्शन के अंदर आप कुछ फीचर्स देखोगे, समझो वेव थियरी और पार्टिकल थियरी। वेव थियरी का कहना क्या था कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कराओ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। वेव थियरी के हिसाब से अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। पार्टिकल थियरी के हिसाब से अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कराओ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगी। वेव थियरी के हिसाब से अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराओ तो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो जनरेटेड हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। यहाँ पे नंबर है वो कांस्टेंट मिला और काइनेटिक एनर्जी है जो इंक्रीज हुई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं, मतलब यहाँ पे बोला गया था कि कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़, अगर आपने इंसिडेंट जो की है लाइट उसकी एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर के हिसाब से धीरे धीरे एनर्जी गेन करेगा, और जब एनर्जी सर्टेन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तब वो एमिट होगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है इट विल टेक सम टाइम, मे बी अप टू फ्यू
आवर्स और अप टू फ्यू डेज या अप टू फ्यू मंथ्स। और पार्टिकल थियरी के हिसाब से अगर एमिशन स्टार्ट होना है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब 10^-9 सेकेंड के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी में भी यही बात लिखी हुई है कि वेव थियरी के हिसाब से अगर सप्लाइड एनर्जी की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 एनर्जी गेन करेगा और उसके पास जब सफिशियंट एनर्जी आएगी कोई मेटल में से बाहर निकलने के लिए, तब वो वहाँ से एमिट होगा और उसके लिए टाइम लग सकता है, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज या फ्यू मंथ का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, ओके। वही चीज़ यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी ऑफ लाइट वो भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े अच्छे से समझो। एक हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को हमने अच्छे से समझा कौन कौन से टॉपिक, एक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ के कुछ फीचर्स देखे और कुछ इम्प्लिकेशंस, और उसके बाद हमने वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को कंपेयर किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्रैक्टिकल है, मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से जो हमने रीडिंग लिए, वो पार्टिकल नेचर को फेवर कर रहे थे। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए उसके लिए आपको रेडिएशन का पार्टिकल नेचर ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिले थे, इंटेंसिटी इंक्रीज कराओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराओ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एमिशन स्पॉन्टेनियस, ये सब रिजल्ट पार्टिकल नेचर के हिसाब से सही थे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट देखो, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, क्योंकि उसी उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके दिया, HF - φ0 EV0 HF, ये जो फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला की हेल्प से ये ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। ठीक है, वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाना है। अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो एनी टाइम आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।